हेलो, वेलकम टू आना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा। दोस्तों, आज मैं आपको नटराज मूर्ति से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगी जिसे कोई भी नहीं जानता है कि आखिर नटराज की मूर्ति यूरोप के परमाणु केंद्र में क्यों रखी गई है और इसकी क्या वजह है। लेकिन उससे पहले हम आपको इस वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि आखिर नटराज की मूर्ति में क्यों दिखता है भगवान शिव का विकराल रूप। तो दोस्तों, शिव के कई रूप हैं, उनके हर रूप से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके नटराज अवतार के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर महादेव के नटराजन अवतार की क्या कहानी है। स्कंद पुराण में नटराजन की मूर्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है जिसके अनुसार एक बार सारी मोह माया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल का अहंकार हो गया था। वो लोग साधारण मनुष्य को तुच्छ जीव मानने लगे थे। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव का उन साधुओं का अहंकार तोड़ने की एक युक्ति सूझी। भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो इस दौरान साधुओं में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना ना करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारणा किए शिव ने उनकी बातों पर तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सर्जन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने का उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्ति में भगवान को शिव नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। ये अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में टूट गया और उन्हें शिव की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराजन की मूर्ति को सर्जन और विनाश दोनों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस मूर्ति को यूरोप के परमाणु केंद्र में क्यों रखा गया है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक रिसर्च संस्थानों में से एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सबसे जटिल मशीनों का इस्तेमाल करता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट का कहना है कि कणों की मूलभूत संरचना की जांच करते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद सब कुछ बनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसोन की मौजूदगी को भी महज एक परिकल्पना माना जाता था, जब तक कि साल 2012 में लार्ज हैड्रॉन कॉलाइडर नाम का एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल करके इसके होने की पुष्टि नहीं कर दी गई। मानव सभ्यता के इतिहास में इस तरह का महत्व रखने वाली संस्था के परिसर में हिंदू देवता शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा को 18 जून 2004 में CERN के परिसर में स्थापित किया गया था। ये महज एक संयोग हो सकता है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक और तत्कालीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट की स्थापना भी उसी साल हुई थी। इंटरनेट के आने से सोशल मीडिया धरती पर करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है और इसी तरह फेक न्यूज भी। नटराज की स्मृति को लेकर भी काफी फेक न्यूज फैली हुई है। तो चलिए आपको इस वीडियो में ये भी दिखाते हैं कि CERN के परिसर में स्थित नटराज की मूर्ति को लेकर क्या क्या झूठी खबरें फैली और इसके वहां लगाए जाने के पीछे असली वजह क्या थी। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि नटराज की मूर्ति परमाणु की संरचना का वर्णन करती है और इसलिए जो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं उन्होंने CERN परिसर में इसे रखने का फैसला किया। एक और फेक न्यूज में ये भी कहा गया कि इस प्रतिमा में नटराज आनंद तांडवम मुद्रा में डांस कर रहे हैं जिसे विदेशी वैज्ञानिक कॉस्मिक डांस कहते हैं। ये मुद्रा परमाणु के अंदर उप परमाणुओं की गति के समान है। फेक न्यूज में ये भी दावा किया गया था कि नटराज पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये घोषित करने के लिए CERN के वैज्ञानिकों ने इस प्रतिमा को वहां स्थापित करने का फैसला किया था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर तथ्य और वैज्ञानिक रूप से गलत ऐसी तमाम कहानियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद की गई। CERN परिसर में इसकी स्थापना के असल कारण को जानने से पहले चलिए उसके कुछ जुड़े दिलचस्प बातें जान लेते हैं। आपको बता दें कि CERN की 39
और 40 नंबर बिल्डिंग के बीच में स्थायी रूप से लगाई गई है। ये शिव प्रतिमा रिसर्च संस्थान को भारत सरकार ने भेज दी थी। CRN की वेबसाइट पर सोशल मीडिया के एक सवाल के जवाब में इसका जिक्र किया गया कि शिव की ये मूर्ति CERN के साथ अपने जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए भारत की ओर से एक तोहफा था। वो संबंध जो 1960 के दशक में शुरू हुआ और आज भी मजबूत बना हुआ है। हालांकि भारत यूरोपीय देश नहीं है, लेकिन करीब 6 दशकों से वो CRN का सदस्य है। भारत सरकार ने ये मूर्ति CRN को कूटनीतिक कारणों से तोहफे में दी थी, ना कि वैज्ञानिक कारणों से। CERN के मुताबिक हिंदू धर्म में भगवान शिव नटराज नृत्य करते हैं, जो शक्ति या जीवन शक्ति का प्रतीक है। इस देवता को भारत सरकार ने एक रूपक की वजह से चुना था, जो नटराज के लौकिक नृत्य और उपप्रमाणिक कारणों के कॉस्मिक डांस के आधुनिक अध्ययन के बीच बनता था। ये सिर्फ पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक रूपक है, जिसे कई सालों से बिना किसी तथ्य या तार्किक समर्थन के वैज्ञानिक कारण के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे आना न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट भी करिए। धन्यवाद।